अवर टूडेज टॉपिक इज कास्ट रोग। कास्ट रोग में हम इन इन टॉपिक्स का वर्णन करेंगे। सबसे पहला है व्याधि परिचय, दूसरा निरुक्ति, तीसरा कास्ट रोग के निदान, चौथा कास्ट रोग की संप्राप्ति एवं उसका संप्राप्ति घटक, पांचवा कास्ट रोग के भेद, छठा कास्ट रोग के पूर्व रूप एवं लास्ट जो हम बात करेंगे उसके साध्य असाध्यता के बारे में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कास्ट रोग का व्याधि परिचय। तो कास्ट रोग एक स्वतंत्र व्याधि है तथा ये विभिन्न व्याधियों के लक्षण के रूप में भी पाया जाता है। श्वास, सिक्का तथा कास तीनों व्याधियों का निदान एक है, पर इनकी संप्राप्ति जो है वो डिफरेंट होती है। अब कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण ही कास रोग उत्पन्न होता है। तो ये थे कास रोग का व्याधि परिचय। अब कास रोग की निरुक्ति, कसनात कासा कास रोग की निरुक्ति बताई गई है। आप कास रोग को इस तरीके से समझ सकते हैं, जब श्वास प्रणाली में विजातीय पदार्थ रुक जाते हैं तब कुपित वायु उन पदार्थों को निकालने की चेष्टा करती है। उसी चेष्टा के दौरान जो विकृत शब्द निकलता है उसे कास कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कास रोग के निदान कि कास रोग किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो धूम के मुख, नासिका तथा गले में प्रवेश करने से कास रोग की उत्पत्ति मानी गई है। व्यायाम तथा रूक्ष अन्न के सेवन से कास उत्पन्न हो सकता है। वेगा अवरोध से कास उत्पन्न हो सकता है। भोजन का अगर विमार्ग गवन हो रखा हो तब कास उत्पन्न हो सकता है तथा वेग धारण करने से भी कास उत्पन्न हो सकता है। नाउ वी विल मूव टू संप्राप्ति ऑफ कास रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार निदान के सेवन से दुष्ट प्राणवायु उदान वायु से मिलकर फूटे हुए काश्य प्रात यानी ब्रॉन्ज के किसी बर्तन के समान शब्द करता हुआ कफ तथा पित्त आदि दोष सहित मुख से सहसा निकलता है, जिसे कास रोग कहते हैं। लेकिन आचार्य चरक ने कास रोग दो प्रकार के बताए हैं, एक शुष्क और एक सकफ। जो कफ के प्रकोपित होने से हो वो सकफ कास है, जो वात के प्रकोपित होने से हो वो शुष्क कास है। तो इसे समझना इम्पोर्टेंट है, दोनों ही केसेस में वात प्रकोपित हो रहा है। फर्स्ट केस में वात जब प्रकोपित हो रहा है उससे रस की दुष्टि होगी, रस की दुष्टि से जो है कफ की उत्पत्ति होगी। कफ की उत्पत्ति होने के कारण कफ का स्टीवन होगा जिससे सकफ कास की उत्पत्ति होगी। नाउ अवर सेकेंड केस इज, इस बार वात जब प्रकोपित हुआ तो रस धातु की दुष्टि ना होते हुए प्राणवायु की दुष्टि हुई। प्राणवायु की दुष्टि होने से प्राणवायु उदानुगत हुई जिससे प्राणवायु स्रोतस में वेगगत गमन हुआ। इस गमन के कारण भिन्न काश्य पात्र के टूटने के समान ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे शुष्क कास उत्पन्न हुआ। नाउ लेट्स सी कि कास रोग में कौन से दोष दूष्य तथा स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि संप्राप्ति घटक के द्वारा पता चलेगा। तो दोष इसमें वात तथा कफ दोष प्रधान है, ये हमने चरक के अकॉर्डिंग जो कास थी उसके द्वारा पता चला। दूष्य जो है वो स्वर होगा, रस तथा अन्न भी होगा। श्रोतस जो है वो रस वह श्रोतस और प्राण वह श्रोतस इसमें दूषित होंगे। श्रोतोदूषी लक्षण जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी संघ होगा। अधिष्ठान इसका प्राणवायु स्रोतस होगा। स्वभाव आसुकारी। साध्य असाध्यता, नवीन जो कास रोग होगा वो साध्य होगा जबकि जीर्ण कास थोड़ा डिफिकल्टी से साध्य होगा, कृष साध्य होगा। अग्नि दुष्टि, अग्नि इसमें मंद रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू भेद ऑफ कास रोग। आचार्य चरक तथा श्रुति मतानुसार कास रोग के पांच भेद होते हैं जो कि हैं वातिक कास, पैतिक कास, कफस कास, सतस कास और सयस कास। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वात पित्त कफ से सयस्यत हुआ। अब हम देखेंगे कास रोग के पूर्व रूप। पूर्व रूप लिखना बहुत इजी है, अगर आपने व्याधि की डेफिनेशन निरुक्ति समझ ली है तो पूर्व रूप आप खुद भी लिख सकते हैं, सोच के लिखना है। जैसे कास रोग में मुख तथा गले में सूख भर जाने सा प्रतीत होगा, कंठ में कंडू यानी खुजली होगी, भोजन में अवरोध होगा, गले में तालू के लेप से प्रतीत होगा, स्वर वैषम्य रहेगा, अरुचि रहेगी एवं अग्निमांत होगा। सो हमारा अगला टॉपिक है साध्य असाध्यता, यानी कौन सा कास रोग साध्य है और कौन सा कास रोग असाध्य है। तो वातिक, पैतिक और कफस कास
साध्य होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक एक दोष प्रधान होता है। तो जो एक दोष प्रधान कास होगा वो हमेशा साध्य होगा। सतज तथा सयज काश्य याप्य होते हैं, यानी कठिनाई से ट्रीट किए जा सकते हैं। और वृद्धावस्था में जो भी कास होते हैं सभी याप्य होते हैं, यानी कठिनाई से ट्रीट होते हैं। क्षीण व्यक्तियों में सतज कास असाध्य है, यानी जो व्यक्ति कमजोर है उसमें जो सतज कास होगा वो असाध्य होगा। वहीं अगर चिकित्सा के चारों पद उत्तम हैं तो सतज और सयज कास दोनों साध्य होते हैं। सो फॉर मोर अपडेट्स kindly subscribe our channel and press the bell icon.